हेलो एवरीवन, दिस इज जशा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है ट्यूसडे का दिन और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 के आसपास। एक्चुअली लेट से सो के उठी थी, तो जस्ट अभी शावर वगैरह लेके आई थी मैं। एंड इस कमरे में रितविन सो रहा था क्योंकि समर हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं। टीचर्स की 17 से स्टार्ट होने वाली थी, बट मैंने छुट्टी ले ली है लॉस ऑफ पे में, क्योंकि फिर रितविन को अकेले रहना पड़ता घर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो अभी बहुत छोटा है और उसे मैं लेके जा नहीं सकती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने लॉस ऑफ पे में छुट्टी ले ली है। बाकी के 20 डेज हमारे पेड लीव होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और घर भी जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत तैयारियाँ करनी है। एंड यहाँ पे ना रितविन सो रहा था, तो इस रूम की डस्टिंग हुई नहीं थी काफ़ी दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे ना कंप्यूटर डेस्क पे बहुत ही छोटा सा जगह है, तो उसमें ना काम करते करते वायर बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है बाहर, माउस वगैरह खींचते खींचते। तो इसे सब कुछ मैं अंदर डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगे। और इसमें कंप्यूटर माउस के अलावा कुछ नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर टेबल है। तो इसे भी मैं अच्छे से आज क्लीन कर लूँगी। अभी नाश्ता बनाने में टाइम है, ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम है। प्रिंस की नाइट ड्यूटी चल रही है तो वो अभी तक आए नहीं है। सो अभी आराम से जब वो आ जाएंगे, जब तक वो पूजा वगैरह करेंगे, तब तक ब्रेकफास्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं ये डस्टिंग करके स्टार्ट कर दूँगी प्रिपरेशन। वो 9 बजे तक आएंगे, तो यहाँ पे मैं वही डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। रूम हमेशा बंद ही रहता है, खिड़की में ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, बट फिर भी बहुत सारे डस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। स्पेशली फोटो फ्रेम्स जो लगे हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाता है क्योंकि ये वाइट इन कलर है। एंड फोटो फ्रेम्स पे ना धूल जमना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं, वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। तो उसे मैं हर 2-3 दिन में क्लीन करते रहती हूँ। साइड टेबल भी मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया है क्योंकि बॉटल वगैरह रखते हैं ना, तो कभी कभी दाग पड़ जाता है। उसके बाद मेरा ये ड्रेसिंग टेबल, जो कि हमेशा क्लटर हो ही जाता है चाहे जितना भी कोशिश करूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी भागना पड़ता है रेडी होके ना, तो ये 1 वीक में ख़राब हो ही जाता है। जो बाहर के जो शेल्फ है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, पहले यहाँ पे मिरर था बट वो मिरर निकल गया है। आप छोटे छोटे दाग भी देख रहे होंगे, वो सिलिकॉन एडहेसिव था, तो मैंने देख लिया वो मिरर जो है हाफ उखड़ चुका है अपनी जगह से। अदरवाइज तो मे बी एक्सीडेंट हो सकता था। रितविन हमेशा मिरर के पास खेलता रहता है। बच्चों को मिरर में बात करना, अपने आप को देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो तो लकीली मैंने देख लिया, तो फिर उसे हमने निकाल के बेड पर डाल दिया है। अभी घर से आने के बाद देखते हैं उसे फिर से लगवाएंगे। तो अभी तो हमने फिलहाल के लिए हटा दिया। थैंक्स टू गॉड मैंने उसे देख लिया और हटा दिया समय रहते, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता था। सो यहाँ पे जो भी क्लटर था वो मैंने थोड़ा बहुत हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। एंड ये जो शेल्फ है ना, वो शीशे के हैं, कांच का है, तो इसमें बहुत ही जल्दी धूल दिखने लगता है। तो इसे भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा तो नहीं कर पाती हूँ, बट 2 वीक्स में एक बार ऐसे मैं साफ कर देती हूँ, तो ये मेंटेन रहता है। सो मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ते में बन रहा है इडली सांभर एंड चटनी। प्रॉपर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बन रहा है एंड हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वर्किंग डेज में ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेबरेट वाला ब्रेकफास्ट हम नहीं कर पाते हैं। पोहा, उपमा, सब्जी, रोटी, यही सब खाते हैं। तो जब भी छुट्टी होती है मैं कोशिश करती हूँ सबका फेवरेट बनाया जाए, ताकि अच्छे से हम इंजॉय कर पाए गर्मा गर्म। तो ये मैंने दाल में सब्जियाँ काट के चढ़ा दी हैं बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर मैंने सूजी ले लिया है। मैंने चावल वगैरह नहीं भिगोया था क्योंकि ये इंस्टेंट डिसीजन था मेरा आज इडली सांभर चटनी खाने का। तो सूजी वाली इडली मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो सूजी में दही डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे फूलने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक जो है दाल और सब्जियाँ भी अपना उधर बॉयल हो रही हैं, तो इसे अच्छे से मिक्स करके, दही जो है थोड़ी सी खट्टी थी तो और भी अच्छा बना था इडली। यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया है। अब इसे फूलने के लिए करीबन आधे घंटे छोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसमें इनो वगैरह भी डाल सकते हो ताकि अच्छे से फूल जाए,
बट मैं इनो वगैरह नहीं डालती हूँ, जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़ें। सो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भी काट लिए हैं पेटल्स के शेप में, ऐसे ना सांभर में अच्छे लगते हैं। तो सांभर का सारा ही सामान था, बस सहजन नहीं था ड्रमस्टिक, और रेड चिली का तड़का इसमें बहुत अच्छा लगता है, बट रेड चिली भी नहीं था। तो जो मिर्चियाँ थोड़ी रेड हो गई थी ना, उसे मैंने कट कर लिया है, टमाटर कट कर लिया है, और यह है इमली जिसे मैंने भिगो के रख दिया है सांभर में डालने के लिए, क्योंकि मुझे खट्टे सांभर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये सूजी दही भी फूल गया है अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया, कड़ी पत्ता, मिर्ची वगैरह, सरसों वगैरह डाल के, और ये देखिए सब्जी भी अच्छे से हो गई है, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है दाल। और ये पहले मैं ना सब्जियाँ फ्राई करके बॉईल करती थी, बट अब मैं डायरेक्ट ही बॉईल कर देती हूँ दाल के साथ, तो भी अच्छा टेस्ट आता है, सिमिलर टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने सांभर मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी नमक वगैरह डाल के अच्छे से तड़का रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने मूँगफली भून के उसे दरदरा पीस लिया था, और फिर चने की दाल डाल दी थी एंड मिर्ची लहसुन डाल के उसका मैंने चटनी बना लिया है। यहाँ पे तड़का जो है रेडी हो गया था, तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जो भी बॉईल किए हुए सब्जियों के साथ जो दाल थी वो, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सांभर मसाला डाल दो ना तो वैसे भी टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए, ये जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी अभी गाढ़ी है, और यहाँ पे मैंने पानी मिलाया, अब जो ये कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे फटाफट से प्लेट में लगा देते हैं और फिर रख देते हैं इडली बनने के लिए। इधर हमारा सांभर भी अच्छे से बॉयल हो रहा है, लास्ट में मुझे बस इमली की जो मैंने भिगो के रखा था इमली वाला पानी वो डालना है, दैट्स इट, और सब कुछ रेडी हो जाएगा। प्रिंस भी आ चुके हैं, वो अपना नहाने गए हैं, उसके बाद पूजा करेंगे, तब तक ये इडली रेडी हो जाएगा। कमरे में नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, इडली सांभर चटनी बहुत ही टेस्टी बना था, वैसे भी हमारा साउथ इंडियन फूड फेवरेट है। प्रिंस प्रिंस की नाइट ड्यूटी चल रही है तो वो नाश्ता करके सो गए हैं दूसरे वाले कमरे में, और मैं और रितविन यहाँ पे हैं। तो हमारे आसपास के ग्राउंड में ना कहीं पे बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने अभी से ही पूरा लाउड म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है। इस कमरे में इतना साउंड आता नहीं, तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी। आज लंच में बन रहा है एग करी और राइस, कुछ मेरे पास साग है तो वो मिला के राइस बना दूंगी एंड सैलेड हो जाएगा। दाल वगैरह आज बनाने का मन नहीं कर रहा है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने घी लिया है, मेथी दाने डाले हैं, मिर्ची डाला है, और ये ना मेरे पास एक साग था जो कि यहाँ पे वाइजैक में मैंने देखा है, तोटकोरा बोलते हैं इसे, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे मैंने फ्राई कर लिया है और कुछ भी नहीं डालेंगे, मसाला टमाटर कुछ नहीं डालेंगे, बस मैंने इसमें बॉइल्ड राइस डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक डाल के। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके का राइस, पालक के साथ भी आप बना सकते हो। और साथ में मैं बना रही हूँ एक करी, सो जो भी कॉम्बिनेशन बना था ना वो बहुत ही अच्छा था। ये कॉम्बो ट्राई करिएगा जरूर, बहुत ही टेस्टी लगेगा। एंड आज सुबह से ही बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ, तो छुट्टी का दिन होता है ना तो फिर मन भी करता है घर वालों को अच्छा अच्छा बना के खिलाया जाए। तो अभी हो गया शाम, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। यहाँ पे सारे फॉल सीलिंग लाइट्स ऑन करके शाम को हम लोग बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये दोनों अभी पार्क से आए हैं, मैं भी बाहर गई थी तो मैंने भी आके चेंज किया। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और प्रिंस और रितविन दोनों अभी पार्क से आए हैं, तो थोड़ा सा वो फ्लोर पे ले डाउन होकर रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता है रितविन को, खासकर पार्क से आने के बाद बहुत ही ज्यादा खेलता है। स्वेट थोड़ा सूख जाएगा ना तो उसके कपड़े भी चेंज कर दूंगी, अदरवाइज ना थोड़ा रैशेज के प्रॉब्लम आ जाते हैं अगर बच्चे के कपड़े अगर आप नहीं चेंज करो फ्रिक्वेंटली, स्पेशली पार्क से आने के बाद। तो 2 पैकेट मैदे के रखे हुए हैं, वो खराब हो जाएगा, कोई यूज आ नहीं रहा है। सो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मठरी और थोड़ा सा नमक पारा बना देती हूँ ताकि हमें, आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं, बट इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू ट्रैवल, वी आर गोइंग होम, तो वहां पे एक शादी है तो हम दोनों जा रहे हैं। उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने मायके कुछ दिन के लिए, तो प्रिंस यहाँ अकेले रहेंगे एंड उन्हें थोड़ा बहुत स्नैक्स के लिए सामान मैं रख के जाना चाहती हूँ ताकि चाय वगैरह के साथ वो आराम से उसे ले सके।
यही है रीजन कि अभी मैं बनाने वाली हूँ मठरी और नमक पारे थोड़े से। रात में ही मैं ये सब चीज बनाती हूँ क्योंकि ना रात में थोड़ी शांति रहती है, गर्मी कम लगती है और सारा काम खत्म हो गया रहता है ना, तो आराम से बस उसी काम में लगे रहो तो एक डेढ़ घंटे में सारा चीज बन जाता है। और मैंने बाल में बहुत सारा ऑयल लगा लिया है, कुछ ज्यादा ही लगा लिया है क्योंकि कल करना है मुझे हेयर वॉश। सो यस, चलिए लगते हैं काम पे। ओके गाइज, बैक टू किचन। तो यहाँ पे मैंने मैदा में मंगरेल ले लिया है, काला जीरा और नमक डाल दिया है और सनफ्लावर ऑयल डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड या फिर घी कुछ भी डाल सकते हो। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी आपको उतना डालना है जितना कि मिक्स करने के बाद इस तरीके का लड्डू बनने लगे। उसके बाद थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेके इसे गूंथ लेंगे। मीनवाइल रितविन पढ़ाई भी कर रहा है तो उसका भी वर्क मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी से गूथना है। आप जब भी मैदा गूथे गुनगुने पानी से ही गूथे, उससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो बन के रेडी होता है। तो ये देखिए, मैंने ना कसूरी मेथी निकाल के रखा था थोड़ा सा इसमें मिक्स करने के लिए, बट मैं वो डालना भूल गई तो अभी मैं फिर से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो गया था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैंने बेल लिया है और इसकी थिकनेस कुछ इतना रहेगी। उसके बाद कोई भी ढक्कन वगैरह लेके मैंने इसे गोल गोल शेप में काट लिया है और चाकू से इसके बीच में होल कर लिया है ताकि ये फूले ना, क्योंकि ये मठरी है तो इसे फूलना नहीं चाहिए। एंड ये देखिए, ये थोड़े से रेडी हो गए थे तो मैंने कढ़ाई में भी गर्म तेल करके इसे छानना स्टार्ट कर दिया। सो पहला लॉट जो है वो मेरा यहाँ पर चला गया है एंड बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। होली में भी मैंने बनाया था तो तुरंत ही ख़त्म हो गया था। सो अभी मैं फिर से बना रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा कलर भी आया है इसका। मठरी बन जाने के बाद मैं नमक पारे भी बनाऊंगी। सो यहाँ पे देखिए, अच्छे से रेडी हो गया। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एंड प्रिंस का आज फास्ट था क्योंकि ट्यूसडे था, तो उन्हें भी खाने का बहुत मन हो रहा था, बट मैंने बोला चलो यहाँ पे रितविन को टेस्ट कराते हैं। तो उसे बहुत अच्छा लगा। और पीछे प्रिंस कपड़े उठा रहे हैं क्योंकि कपड़े सूख गए थे रात को, आजकल कभी भी बारिश हो जाती है। सो यहाँ पे देखिए, दूसरा जो लॉट है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रिंस थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं लास्ट वाला निकालने। यहाँ पे मैंने अगेन मैदा में अजवाइन ले लिया था और नमक पारे बना रही हूँ नमक डाल के। इसमें ना जो रिफाइंड है वो घी है या फिर सनफ्लावर ऑयल है वो थोड़ा कम डलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी होता है। बेलने के बाद इस तरीके से चाकू से मैं लंबे लंबे शेप में काट लेती हूँ। उसके बाद अगेन इसे फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही अच्छा इंडियन स्नैक बन के रेडी हो जाता है। बाहर का खाने से अच्छा है कि हम घर का ऐसे बना के रखें। रितविन को भी टिफिन में थोड़ा बहुत एज अ साइड डिश दे सकती हूँ, तो उसके लिए भी मैं ये सब चीज़ें बना के रखती हूँ घर पर। और अचानक से गेस्ट आ जाए ना तो भी आप सर्व कर सकते हो कुछ भी, एक मीठा चीज़ के साथ ये सारी चीज़ें सर्व कर सकते हो, चाय वगैरह के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। ओके गाइस, सो मटरी को मैंने थोड़ा सा फैन के नीचे रखा है ठंडा होने के लिए और यहाँ पे नमक पारे बन रहे हैं। किचन अभी थोड़ा सा मैसी था एंड यहाँ पे ये मठरी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसे मैं कंटेनर में भर के रख दूंगी। अभी 11:30 बज चुके थे, मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया था बनाना, लंच सॉरी डिनर वगैरह करने के बाद टाइम हो गया था। ये देखिए, नमक पारे भी बन के रेडी हो गए हैं। कुछ मैंने बहुत ही क्रिस्पी निकाले हैं, कुछ मैंने थोड़े से सॉफ्ट निकाले हैं और बहुत ही टेस्टी बना था। इसे मैंने कंटेनर में रख दिया है अच्छे से और साथ में थोड़ा सा जो है बच गया था तो इसे मैंने अगेन एक छोटू सा कैसरोल है मेरे पास उसमें रख दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बहुत सारे एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस, टिल देन बाय।